आज हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आषाढ़ी एकादशी के इस बहुत ही पवित्र दिवस पर गढ़चिरौली में 10,000 करोड़ के निवेश से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट सुरजागढ़ स्टील प्राइवेट लिमिटेड, इसका भूमि पूजन हमने किया है। इसके कारण यहाँ पर जो स्थानिक लोग हैं, आदिवासी है, इनको बहुत फायदा मिलेगा, इनको रोजगार मिलेगा। और सबसे महत्व की बात यह है कि करीब करीब 8 मिलियन टन इतना प्रोडक्शन इसका होने वाला है। 4 मिलियन टन का और प्रोडक्शन लॉयड्स के माध्यम से हो रहा है। चामोर्शी में भी करीब 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रही है, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स हम जब कंप्लीट करेंगे तो महाराष्ट्र का जो स्टील प्रोडक्शन है उसका 30% स्टील प्रोडक्शन ये अकेला गढ़चिरौली करेगा। हमने जो कहा था स्टील सिटी होगी, उसकी ओर गढ़चिरौली बढ़ रहा है। विशेष रूप से हम हमेशा ये कहते थे कि गढ़चिरौली ये महाराष्ट्र का आखिरी गांव नहीं है, आखिरी शहर नहीं है, ये आखिरी जिला नहीं है। वहां से महाराष्ट्र शुरू होता है, वो पहला जिला है। उस प्रकार से गढ़चिरौली को परिवर्तित करने का काम हमारे सरकार के माध्यम से हो रहा है। और ये करते हुए हमने जितने MOU किए और जितने इनके साथ हमने समझौते किए और इनको जमीन दी या जो भी हमने फैसिलिटी दी, उन सब में हमने कहा है 80% रोजगार ये स्थानिक लोगों को देना पड़ेगा। और उसी प्रकार से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है।